आपके एग्जाम्स के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं आप लोगों को बता दूंगी। साइड रिलेटेड, सीआईडी साइड मीन्स टू किल, ठीक है, किल, या आप ऐसे भी बोल सकते हो डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, सो डिस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, किल करना भी बोल सकते हैं, ठीक है। किल करना मतलब कि अपने आप को किल करना, सुइसाइड, भाई को किल करना, फ्रेट्रिसाइड, सो ऑन एंड सो फॉर। सो आई स्टार्ट फ्रॉम एपिसाइड, ठीक है, तो रूट वर्ड्स लेके कराऊंगी। चिल्ड्रन दिस साइड आप लोग को तो पता है जो किल है, किल करना है साइड, और एपी मतलब क्या है, बीज, ठीक है, एपी मींस बीज, सो किलिंग ऑफ बीज को कहते हैं एपिसाइड, क्या कहते हैं, किलिंग ऑफ बीज, ओके, सो किलिंग ऑफ बीज को क्या कहते हैं, एपिसाइड, ओके, बीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आप लोगों ने देखा होगा, एपिसाइड टियर वन में कई बार आप लोगों ने देखा होगा, सो एपिसाइड इज इंपॉर्टेंट, सीएचएसएल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो किलिंग ऑफ बीज एपिसाइड। नाउ एवी साइड, साइड मीनिंग तो आप लोगों को पता है टू किल, यस। अब देखो चिल्ड्रेन, एवी साइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवी साइड, फिर से देखिए, एवी मतलब बर्ड्स, सो किलिंग ऑफ बर्ड्स आसान है, एवी मीन मतलब क्या, किलिंग ऑफ, एवी मीन्स बर्ड्स, सो किलिंग ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, एवी साइड। अब ये वाला देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, एमिसी साइड, इसलिए इंटरेस्टिंग है, नो किलिंग इज इंटरेस्टिंग, बट इसलिए मैंने कहा इंटरेस्टिंग है, अभी ये सुशांत सिंह राजपूत के केस में ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज हो रहा था, एमिसी साइड, यू नो व्हाट दिस, एमिसी का मतलब है फ्रेंड, ये सारे लैटिन वर्ड से आ रहे चिल्ड्रेन, एपी बीज एवी बर्ड, ये सारे लैटिन वर्ड से आ रहे, एमिसी मतलब अ फ्रेंड। तो ये कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत को उनके फ्रेंड से ही हत्या हुआ है, व्हाटएवर यू नो सीबीआई विल प्रूव दैट, सो एमिसी साइड, एमिसी मतलब फ्रेंड, सो किलिंग ऑफ वंस ओन फ्रेंड को हम क्या कहेंगे, एमिसी साइड, फाइन चिल्ड्रन, एमिसी साइड। अब देखिए चिल्ड्रन, पेस्टिसाइड, ये पेस्ट से आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि पेस्टिसाइड क्या है, किलिंग ऑफ पेस्ट, ठीक है, सो दिस इज अगेन इजी, पेस्टिसाइड चिल्ड्रन इजी है, पर सीएचएसएल में पूछा गया था, पेस्टिसाइड किलिंग ऑफ, किलिंग ऑफ क्या, पेस्ट, किलिंग ऑफ पेस्ट इज पेस्टिसाइड। फिलिसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीओ में पूछा गया था, टियर टू में भी पूछा गया, फिलिसाइड, अच्छा फिली मतलब चिल्ड्रन, फिली का मतलब क्या, अपना बच्चा, यू नो वन्स ओन चिल्ड्रन का मतलब है फिली, साइड मतलब तो किल है, सो व्हाट इज फिली, फिली का मतलब क्या है, वन्स अपना बच्चा, वन्स ओन चिल्ड्रन, सो व्हाट इज फिलिसाइड, फिलिसाइड मतलब किलिंग ऑफ वन्स ओन चिल्ड्रन को हम क्या कहते हैं, फिलिसाइड, किलिंग ऑफ वन्स ओन चिल्ड्रन, अपना यू नो अपने बच्चों को हत्या करना को हम क्या कहते हैं, फिलिसाइड। अब फ्रेट्रिसाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड फ्रेटर, मतलब क्या है, ब्रदर, फ्रेटर मतलब ब्रदर, सो किलिंग ऑफ वन्स ब्रदर, किलिंग ऑफ वन्स ब्रदर को क्या कहते हैं, फ्रेट्रिसाइड, क्यों, फ्रेट्री का मतलब है ब्रदर। सो चलो ये देखो, सिब्लिसाइड, ये वर्ड भी आप लोगों को लग रहा होगा,
सिबलिंग, ये वर्ड ना सिबलिंग से आया है, किससे आया है, किससे आया है चिल्ड्रन, सिबलिंग, सिबलिंग मतलब ब्रदर और सिस्टर, सिबलिंग, सिबलिंग मतलब क्या, भाई या बहन, ब्रदर सिस्टर को हम क्या कहते हैं, दिख रहा है, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग, ओके, किलिंग ऑफ वन्स सिबलिंग, किलिंग ऑफ वन्स सिबलिंग्स या सिबलिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे, एपिसाइड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, किलिंग ऑफ बीज, क्यों, एपी का मतलब है बीज, साइड मतलब तो टू किल है, एवी साइड, साइड मतलब तो किल है, एवी मतलब बर्ड्स, सो किलिंग ऑफ बर्ड्स, एमीसी साइड, मैंने कहा सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए याद रखना, साइड तो किल है ही है, एमीसी मतलब फ्रेंड, सो किलिंग ऑफ वन्स ओन फ्रेंड, अपना फ्रेंड का हत्या करना को बोलते हैं एमीसी साइड। पेस्टिसाइड कैसे याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस बहुत इजी भी है, पेस्ट, किलिंग ऑफ पेस्ट्स। अच्छा फिलिसिसाइड, ये सीपीओ में पूछा गया है, फिलिसिसाइड टियर टू में भी पूछा गया है, फिलिसिसाइड, फिली मतलब क्या, अपना चिल्ड्रन, यू नो अपने बच्चा, सो वन्स ओन चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ वन्स ओन चिल्ड्रन हो गया। फ्रेट्रिसाइड अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेट्री फ्रेटर से आया है मतलब ब्रदर, और किलिंग ऑफ वन्स ब्रदर का मतलब है फ्रेट्रिसाइड। अब एक जैसा को मैंने इकट्ठे दे दिया सिब्लिसाइड, चिल्ड्रन सिब्ली आया है सिबलिंग से, सिबलिंग मतलब क्या, अपना भाई या बहन, राइट, सिबलिंग मतलब क्या, अपना भाई या बहन, सो सिबली कैसे याद रखोगे, सिबलिंग कैसे, सिबलिंग सिबलिंग, सिबलिंग मीन्स अपना भाई या बहन, सो किलिंग ऑफ वन सिबलिंग इज कॉल्ड सिब्लिसाइड। आई होप ये क्लियर है, यस। अब चलते हैं हम जेनोसाइड पे, चिल्ड्रन ये वर्ड जेनो आता है रेस या कम्युनिटी से, ओके, सो किलिंग ऑफ वन्स रेस या कम्युनिटी को हम कहते हैं क्या, जेनोसाइड, किलिंग ऑफ वन्स रेस। चिल्ड्रन याद होगा आप लोगों को, जब मैं नाउन करा रही थी, नाउन इन पोजेशन करवा रही थी, मैंने कहा था वंस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, वंस के साथ एपोस्ट्रॉफी एस आएगा, देखो हर एक जगह, क्योंकि यहाँ पोजेशन दिखा रहा है किसका, किसी एक का, देयरफॉर वन के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है। जेनोस वर्ड का मतलब है रेस या कम्युनिटी, सो किलिंग ऑफ वंस रेस को हम क्या कहते हैं, जेनोसाइड, राइट। अब देखिए होमिसाइड, साइड मीनिंग तो आप लोगों को पता है, होमोस या होमो का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स या मैन, ह्यूमन बीइंग्स या मैन, सो कैसे याद रखोगे, होमो से, होमो सेपियंस, होमो, ह्यूमन बीइंग्स या मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होमिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ ह्यूमंस, ठीक है, सो किलिंग ऑफ ह्यूमन या किलिंग ऑफ मैन इज कॉल्ड होमिसाइड। ओके चिल्ड्रन, किलिंग ऑफ मैन या ह्यूमन इज कॉल्ड होमिसाइड, फाइन चिल्ड्रन, ठीक है, किलिंग ऑफ मैन या ह्यूमन या ह्यूमन बीइंग्स, कुछ भी लगा लीजिए, बात बराबर है। यहाँ पे एम ई एन क्या है, क्यों, क्योंकि बहुवचन हो गया, सो होमिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड होमो या होमोसेपियंस, ले लीजिए होमो से आ रहा है, विच मीन्स ह्यूमन बीइंग्स या मैन, सो किलिंग ऑफ मैन या ह्यूमन बीइंग्स, कोई भी ऑप्शन में कोई एक आए यू कैन टेक, फाइन। अब देखिए ये कितना है, आसान है, इन्फेंट, ठीक है, एक साल के अंदर अंदर का बच्चा को हम इन्फेंट कहते हैं, ये इन्फेंटिसाइड इन्फेंट से आया है,
So killing off an infant is called infanticide. Killing off an infant. Children, इधर इसके साथ और एक मैं साइड लिख देती हूँ यहाँ पे, जो कि बहुत आसान भी है, ये तो आप लोग नोट कर ही चुके होंगे, फोएटिसाइड। फोएटस में अगर किल कर देते हैं, उम में अगर किल कर देते हैं बिफोर हैंड, इट इज कॉल्ड फोएटिसाइड। ओके चिल्ड्रन, फोएटिसाइड इन्फेंट के लिए इन्फेंटिसाइड, फोएटिसाइड फीटस में अगर किल कर दिया जाए। नंबर 15 इसके साथ में लिख रही हूं, फोएटिसाइड। ओके, किलिंग इन द वूम, ये फीटस से आया है, ठीक है, किससे आया है, फीटस से। ओके, सो किलिंग इन द वूम इज कॉल्ड फेटिसाइड। आप देखो मैट्रिसाइड, ये वर्ड मैं जब मैट्रियार्कल पैट्रियार्कल करवा रही थी तो मैंने आप लोगों को बोला था, मैट्री मीन्स मदर, पैट्री मीन्स फादर, है ना, मैट्री मीन्स मदर। सो किलिंग ऑफ वन्स मदर इज कॉल्ड मैट्रिसाइड। फाइन स्टूडेंट्स, ये सब आसान है तो एक रीडिंग मारेंगे, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। सो किलिंग ऑफ वन्स मदर को क्या कहते हैं, मैट्रिसाइड। फिर देखो स्टूडेंट्स, टेट्रिसाइड, जैसे मैंने कहा था मैट्री मतलब फादर, देयरफॉर किलिंग ऑफ वन्स फादर को हम क्या कहेंगे, पेट्रिसाइड, वन्स फादर। चिल्ड्रन ये सब आसान है पर इम्पोर्टेंट है, पेट्रिसाइड इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, जबकि बहुत आसान है फिर भी इम्पोर्टेंट है। अब चिल्ड्रन थोड़ा सा फर्क है, बट सी पेरिसाइड, ये वर्ड पेरी आया है पेरेंट्स से, किससे, पेरेंट्स बोथ फादर मदर पेरेंट्स, राइट। सो मैट्री मदर को किल करना, पेट्री फादर को किल करना, ये डिफरेंस देखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी आ चुका है, सीपीओ में आ चुका है, यू नो बैंकिंग में आ चुका है, एसएससी में आ चुका है, टियर टू में। पेरी जहां बोलेगा वहां फादर मदर दोनों होंगे, पेरेंट्स से पेरी आया है, रिमेंबर पेरी डबल आर वाई, पेरी इज पेरेंट्स, इसको पेट्री के साथ कंफ्यूज नहीं करना है चिल्ड्रन। पेट्री मीन्स पेटर मतलब फादर, पेट्री मतलब फादर, पेरी जहां है पेरेंट्स, इसको कंफ्यूज मत करना पेट्री साइड के साथ, पेरी साइड इंपॉर्टेंट, पेरी साइड किलिंग ऑफ वन्स पेरेंट्स, किलिंग ऑफ वन्स पेरेंट्स। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ वी गो टू रेजिसाइड, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड रेजी विच मीन्स किंग, ठीक है, रेजी मतलब किंग, सो किलिंग ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। क्या बोलते हैं, किलिंग ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड, क्योंकि रेजी मतलब किंग, किलिंग ऑफ अ किंग इज कॉल्ड रेजिसाइड। तो ये साइड हम देख लेते हैं, जेनोसाइड, जेनोस आया है रेस या कम्युनिटी से, सो किलिंग ऑफ वन्स रेस, पूरा यू नो रेस को किल करने को कहते हैं हम जेनोसाइड। होमिसाइड, होमो से आया है विच मीन्स मैन या ह्यूमन बींग्स, कोई भी ऑप्शन दे दे आप टेक कर सकते हो। इन्फेंटिसाइड, ये तो बहुत आसान है, इन्फेंट से ही आया है, सो किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, मैंने इसके साथ इसको रिलेट कर दिया था फोएटिसाइड को, फीटस में अगर किल कर दिया जाए, यानी कि मादर के वूम में अगर किल कर दिया जाए, एनी हाउ दैट इज कॉल्ड किलिंग इन द वूम को हम क्या कहते हैं, फेटिसाइड, फीटस से आया है। फिर मैंने कहा मैट्रिसाइड, आप लोगों को याद होगा जब मैं रूट वर्ड्स दे रही थी मैट्रियार्कल सोसाइटी, मैंने कहा था मैट्री मतलब मदर, सो किलिंग ऑफ वन्स मदर, पैट्री मैट्री का जस्ट ऑपोजिट है पैट्री, पैट्री मीन्स फादर, देयरफॉर किलिंग ऑफ फादर, बट पेरिसाइड मीन्स पेरेंट्स, बोथ मदर एंड फादर। ओके, सो पेरिसाइड किलिंग ऑफ वन्स पेरेंट्स, रेजिसाइड, रेजी इज अ किंग, देयरफॉर किलिंग ऑफ अ किंग, राइट। अच्छा अभी और दो तीन दे देती हूँ आप लोगों को, सुइसाइड तो सबको पता है ही, है ना, किलिंग ऑफ वन सेल्फ विच इज वेरी बैड एंड कावर्डली, फिर भी ये भी दे ही देती हूँ, सुइसाइड, यू नो सुई मीन्स सेल्फ,
for suicide is killing off oneself. ठीक है. नंबर 17 सोरो रिसाइड. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. सोरोरिसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट बट बहुत आसान है याद रखना. यू नो सोरोर मीन्स अ सिस्टर. सोरोस एक्चुअली लैटिन वर्ड. आप ऐसे याद रखो सरो सो सिस्टर से याद रखो एस एस. ओके सोरोरिसाइड सोरोस सोरो का मतलब है सिस्टर. सो किलिंग ऑफ वन सिस्टर. ब्रदर को क्या कहते हैं फ्रेटर. सो फैक्ट्री साइड. ये दोनों को इकट्ठे पढ़ना सोरोरी साइड फैक्ट्री साइड को इकट्ठे पढ़ना राइट. फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब ब्रदर सोरोरी मतलब सिस्टर. देयरफॉर किलिंग ऑफ वन सिस्टर. ओके किलिंग ऑफ वन सिस्टर. चिल्ड्रन ये जो साइड है इसे एक आध क्वेश्चन आएगा. सो अगर आप मैं यू नो 18 ही दे रही हूं इतना से आप लोग कर लोगे. नंबर 18 इज उक्सोरिसाइड. उक्सोरिसाइड उक्सोरी उक्सोरी दिस मीन्स यू नो उक्सर मीन्स वाइफ. ओके उक्सोरिसाइड उक्सर या उक्सर मीन्स वाइफ. सो उक्सोरिसाइड is killing of one's wife. Fine children, this seems to be pretty easy. Okay, so हमने क्या देखा आज. हमने क्या देखा side related words देखा. side मतलब to kill या destruction. Okay, लगे हाथ. एक और दो बता दे रही हूँ. जैसे मैंने कहा side मतलब to kill या destruction भी हो सकता है. so You know, if I tell you ecocide, children, ecocide, children, देखो ये eco से आप लोगों को कुछ लग रहा है क्या लग रहा है. What do you know think? कुछ लग रहा है आप लोगों को. Yes, ये eco word environment से आया है. So यहां पे आप kill नहीं बोलना, बोलना destruction. और किलिंग ऑफ द एनवायरमेंट वो भी चलेगा बट प्रॉपर वर्ड वुड बी डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. फाइन चिल्ड्रन. तो ये तो आसान है. इको साइड इको एनवायरमेंट से रिलेट कर दीजिए. किससे इको इको रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. सो किलिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरमेंट. Killing of the environment तो नहीं बोलेंगे. Destruction proper word होगा. Destruction of the environment को हम क्या कहते हैं ecocide. आसान है. कैसे याद रखेंगे eco means environment. Okay ecology ecological you know structure ecology environment से हम ये समझ सकते हैं कि destruction of the environment को हम क्या कहते हैं ecocide. And then children, if I say liberty side, L-I-B-E-R-T-I, liberty side, what do you see children? Children, kya dikh raha hai yahan pe liberty side? Ye words aap logo ko lag raha hai na liberty se kuch word hai liberty, L-I-B-E-R-T-Y, liberty ka kya matlab hai? Freedom. अब यू नो बहुत सारे कंडीशंस हैं. बहुत सारे लोग हैं जो हमारा फ्रीडम को किल करना चाहते हैं. सो किलिंग ऑफ लिबर्टी इज कॉल्ड लिबर्टी साइड. हम बोलते हैं ना कभी कभार कि ये हमारा लिबर्टी हम कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे क्या करियर चूज करेंगे. ये हमें फ्रीडम मिलना चाहिए. हमें क्या बोलना है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें मिलना चाहिए. आप रोक नहीं सकते मुझे. ऑफकोर्स वो एक्सप्रेशन हम ऐसे करेंगे कि वो स्पीच किसी को हानि ना पहुंचाए राइट. सो हमें लिबर्टी तो दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें लिबर्टी देते हैं. जब उसका डिस्ट्रक्शन होता है तो हम बोलते हैं लिबर्टी साइड. डिस्ट्रक्शन हो गया किल हो गया हमारा लिबर्टी या फ्रीडम. सो लिबर्टी साइड इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी और किलिंग ऑफ लिबर्टी. डिस्ट्रक्शन ऑफ लिबर्टी.
Fine, children. And the last one would be nepoticide. Nepoticide. Children, ये ना nepotism से आया है, भाई भतीजा वाली बात से. भाई भतीजा में क्या होता है, आजकल फिर देखो कि बहुत सारा चर्चा हो रहा है कि यू नो फेवरेटिज्म है इंडस्ट्री में, यू नो चाचा भतीजा, ये नोन वंस फादर सन, ऐसे रिलेशन में यू नो फेवरेटिज्म हो रहा है. सो नेपोटिज्म, ये नेपोटिज्म से आ रहा है. नेपोटिज्म इज फेवरेटिज्म चिल्ड्रन. नेपोटिज्म मतलब फेवरेटिज्म. फेवरेटिज्म मतलब व्हाट इज फेवरेटिज्म. नेपोटिज्म क्या बोलोगे, भाई भतीजा वाली. यस, सो ये नेपो इससे याद रखो, नेपो, नेपो से नेपोटिज्म. नेपोटिज्म मतलब फेवरेटिज्म. फेवरेटिज्म मतलब भाई भतीजा वाली, फेवरिंग वन्स किन, नेफ्यू. तो आप ऐसा भी बोल सकते हो नेपोटिज्म से या नेफ्यू से आया है. अगर आप रूट वर्ड देखोगे वो लोग बोलेंगे नेफ्यू से, इसलिए मैंने अभी फेवरेटिज्म छोड़ दिया कि भाई भतीजा से. फाइन, नेफ्यू, नेपोटिज्म, नेफ्यू. ओके, नेफ्यू से आया है नेपोटिज्म. सो क्या होगा, व्हाट इज नेपोटिज्म, किलिंग ऑफ नेफ्यू, किलिंग ऑफ वंस नेफ्यू. फाइन चिल्ड्रन, ये एक बार बैंकिंग में एसबीआई ने पूछा था, डायरेक्टली मीनिंग के रूप में नहीं, एक छोटा सा क्लोज टेस्ट था, उसमें था नेपोटिज्म. वो इकोनॉमी से भी रिलेट करके, इंडस्ट्री से भी रिलेट करके ये वर्ड को दिया था, फिर ऑप्शंस में पूछा था नेपोटिज्म. ओके, नेपोटिसाइड, नेपोटिज्म से नेपोटिसाइड पूछा गया था, एक छोटा सा पैसेज में, क्लोज टेस्ट में. Anyways, so liberticide, destruction of liberty, ये liberty से आया है. Nepotism से nepo, nepo, nephew या nepotism आप ऐसे याद रखना, ठीक है, भाई भतीजा वाली बात. Foeticide मैंने आप लोगों को बोला है, suicide आप लोगों को पता है. Sororicide कैसे याद रखोगे, sister से, so killing of one's sister. Zoricide wife से, killing of one's wife. Ecocide environment से याद रखना, destruction of the environment, killing of the environment. प्रॉपर वर्ड नहीं होगा फॉर डिस्ट्रक्शन. सो चिल्ड्रन, और भी मैं वोकैब वगैरह लेके आऊंगी, फिर यू नो आई बी डूइंग द टॉपिक प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सारा कुछ करवाऊंगी. जैसे जैसे डिमांड आ रहा है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, बिकॉज अभी एग्जाम का टाइम है, दैट्स वाई. सो चिल्ड्रन, ये साइड वाले वर्ड्स याद कर लेना, फिर आई गिव यू सम रिलेटेड वर्ड्स एज वेल. ओके चिल्ड्रन, इफ यू फाइंड इट यूजफुल, डू लाइक, शेयर and subscribe. Stay safe.